बजे का झाड़ू पोछा हो चुका है और कल मतलब कल सैटरडे को हस्बैंड आए थे तो मैं बहुत सारे कपड़े लेके आए थे, काफी दिनों बाद आए थे तो सुबह से आज मैंने इतने ज्यादा कपड़े धोए हैं बहुत ज्यादा, और जो अभी के लिए सबने निकाले थे ना वो फिर अभी धोगी दोबारा से, तो एक बार के कपड़े धो चुके हैं और झाड़ू पोछा हो चुका है। अभी आई मैं नाके बट बाल मेरे ऐसे ही, अभी मैंने बाल बाल में कंघी नहीं की है। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, ठीक है, तो आज संडे है, वैसे तो बोल रहे थे कि वो बाहर पार्टी पराठे लाएंगे, फिर कहते पार्टी तो शाम को होगी, अगला आलू के पराठे बनाओ, तो अभी वही मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और बच्चे खा रहे हैं और विनीत अभी कटिंग करा के आया है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, इसके डैडी ने भी कटिंग कराई है, वो मार्केट गए सामान लेने के लिए, क्योंकि मार्केट में तो आज मुझे लग रहा है काफ़ी बाजार जाना पड़ेगा, तो देखते हैं अभी फिर इसको विनीत करना, थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो रही है कई दिन हो गए और आज कब लोग जो भी कुछ होता है सुबह से मैंने रूटीन शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था भाई, अगर वीडियो बनाती हूँ तो फिर काफी टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने वीडियो सुबह से भी नहीं की, अब जो थोड़ा काम का प्रेशर कम हो गया है ना अब मैं वीडियो की शुरुआत की है मैंने। यहाँ पे भाई सब्जियां आ चुकी है सारी और ये देखो मैंने सब इसमें डाल दिया, सब बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दी है, अभी इनको फटाफट से धोते हैं। कटहल थी वो मैंने ऐसे ही रख दी, उसको धोया नहीं है, ठीक है, अभी फटाफट से इनको धोते हैं, कपड़े भरी एक बार फिर धो दिए, अब दोबारा एक कटिंग करा के आए थे ना इनके कपड़े हैं वो मैंने मशीन में डाल रखे हैं दोबारा से पानी डाल के, और अभी दोबारा मशीन चला के आई हूँ उनको धोने फटाफट से, हाँ थोड़ा सा लेट हो रहा है काम मेरा, सच में इतनी इतने मैंगो मंगाए थे वैसे अभी शायद मीठे नहीं है, मुझे लग रहा है इकट्ठे होंगे बट देखते हैं। ये देखो भाई ग्रेप्स रख दिए हैं धो के, ठीक है, तब तक इनका पानी निकल जाता है, सारी धो के रख दी, थोड़ी देर बाद इनका पानी सूख जाएगा तब फ्रिज में सेट कर दूंगा। सारे बर्तन हो गए हैं क्लीन, किचन साफ, इधर से सब्जियां भी सारी धो के रख दी है, करेले हो गए, नींबू और खीरे, मैंगो, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और टमाटर, ग्रेप्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी सब्जियां भाई मैंने धो के रख दी है। देखो भाई थोड़ा सा पानी निकल जाएगा इनका, फिर इनको सेट करूँगी फ्रीज में, तो अभी इनको मैंने धो के रख दिया है, बस पानी निकल जाता है, और अभी देखो आज टाइम कितना हो गया दिखाती हूँ मैं 11:30 हो चुके हैं और अभी बस काम तो हो चुका है बट थोड़े से कपड़े हैं ना लास्ट वाले, जब लास्ट में कटिंग वगैरह करा के आए थे हस्बैंड और विनीत तो उनके कपड़े बचे हुए हैं भाई, वो मैंने मशीन में डाल रखे हैं, फटाफट से उनको धो के आती हूँ फिर करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और वीडियो अपलोड। तो चलिए भाई मिलते हैं आपको शाम के टाइम, अब सीधा यहाँ पे अभी टाइम हुआ है 2 बजे का और अभी ना चाची ने आज कीर्तन भी कराया था, मैं वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पैरों में ना जितने तेज दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, बहुत तेज पैरों में दर्द है और काम भी आज लेट खत्म हुआ है क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने और अभी कुछ कपड़े तो सूख रहे हैं, मतलब 3-4 बार सुखा के आई हूँ छप्पे जा जाके, सारे कपड़े धोए हैं और अभी और भी सूख रहे हैं ऊपर, तो मैं देख रही हूँ भाई इन सब कपड़ों को पहले समेटूंगी, फोल्ड करूंगी पहले भाई, पहले थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, अभी मैंने वीडियो अपलोड की है एक इससे पहले वाली तो वो चेक कर लेना भाई, देख लेना, और अभी नेक्स्ट व्लॉग जो चल रहा है उसको देखते हैं और शाम को देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। वैसे बच्चे पहले तो एक्साइटेड थे कि भाई हमें पार्टी चाहिए लेकिन आज ये मना कर रहे हैं कि मन नहीं कर रहा, घर में कुछ मंगा के खा लेते हैं, तो देखते हैं जो भी कुछ होगा बता देंगे। और हस्बैंड है ना 2-3 बार सुबह से मार्केट जा चुके हैं, अभी भी मार्केट गए हैं, सुबह भी फ्रूट्स वगैरह सब लेके आए थे सब्जी वगैरह, अब विनीत के पेट में 2-3 दिन से थोड़ी सी दर्द सा हो रहा है तो उसको डॉक्टर के लेके गए हैं, और भी काफ़ी काम थे तो उनका सुबह से मार्केट में ही चक्कर लग रहे हैं, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं बार बार फिर मार्केट में जाना ठीक नहीं रहेगा, अपने यहीं मंगा के कुछ खा लेते हैं, तो अभी वो मार्केट में गए थे डॉक्टर के, आ गए हैं शायद, आ गए डैडी, कौन है, आ गए हैं भाई, अभी आ गए। तो यहाँ पे भाई अभी शाम के टाइम है ना, हमारा बाहर जाके और पार्टी करने का मन था मतलब आज, और सोच भी रहे थे बट एकदम से कैंसिल कर दिया क्योंकि बच्चे भी बाहर जाने के लिए रेडी नहीं थी, ये बोल रहे थे हमारा मन नहीं कर रहा फिर कभी ले लेंगे, तो आज इन्होंने घर में ही फ्रेंच फ्राई और मोमोज मंगा लिए हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए।
तो फ्रेंड्स शाम वाली वीडियो बस वहीं तक रही, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो है। तो यहाँ पे भाई मैं कर लूँ सब्जी की तैयारी, तो मैं बनाऊँगी कटहल कुछ नए तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कटहल को भाई उबाल लिया है अच्छे से साफ करके, नमक और हल्दी डाल के, और उधर दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उनको अच्छे से भून लिया। फिर टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी डाल दी, बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। एक तरफ मिर्चाए है वो बन रही है, और जो बॉईल की हुई कटहल थी उसको मैंने ना फ्राई कर लिया है दूसरी साइड, ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी जल्दी होती है। जैसे ही मसालों ने तेल छोड़ दिया, मसाले अच्छे से भुन गए, मैंने कटहल इसमें डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी सच में, जिस तरह से मैंने बनाई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, सच में आप इस सब्जी के दीवाने हो जाओगे। बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी बनी थी। वैसे तो मैं सिंपल सी ऐसे ही बना लेती थी, बट आज मैंने इसको अलग तरीके से बनाया, तो ये वाला तरीका मुझे बेस्ट लगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग था भाई सच में। इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। तो फाइनली सब्जी बन चुकी है, बच्चों का टिफ़िन है वो फटाफट से पैक कर देते हैं और इनको छोड़ते हैं स्कूल के लिए, और उसके बाद आगे का काम आगे देखते हैं वही क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, अभी के लिए ना बस मैं खाना बना लेती हूँ, पैकिंग शायद हो गई होगी, खा देती हूँ फटाफट से, और सब्जी गर्म हो चुकी है। हो गई क्या पैकिंग? पैकिंग हो गई, पैकिंग भैया अभी चल रही है, खाना बन गया। आ जाओ। तो भैया आज ना मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी, और जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है, बच्चे खा के गए तो बता रहे थे बहुत टेस्टी है। तो मैंने थोड़ी अलग तरीके से बनाई, जो पहले बनाती थी ना कई बार मैं उनको फ्राई भी नहीं करती थी और बॉईल भी नहीं करती थी, ऐसे ही सब्जी की तरह बना देती थी। कई बार अच्छी भी बन जाती थी, कई बार नहीं भी बनती थी, लेकिन आज मैंने इसको हल्दी नमक डाल के बॉईल करके फिर बनाया है फ्राई करके, तो काफ़ी टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे भाई हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं खाना, और हस्बैंड खाना खा लेंगे फटाफट से, और मैं अपने लिए भी अभी बना लूँगी, और बाद में जो काम बचता है उसको करेंगे बाद में, क्योंकि इनका टाइम हो रहा है अभी जाने का। छोड़ के आते हैं उनको बाहर तक। ये है पुदीना, और उधर भी कुछ उगा रखा है, तो पहले क्या पापा ने उगा रखा है, ये अमरूद का पेड़ है ना, देख अनार का पेड़ है, अच्छा आ रहा ये रहा इधर। तो अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और मैं करती हूँ अपने बर्तन वगैरह क्लीन, खाना मैंने खा लिया है, बट किचन है वो ऐसे ही है, अभी किचन को साफ करूंगी उसके बाद देखते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड्स इस वाली वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं, काम सारा करने के बाद मैंने रेस्ट किया और अभी फाइनली टाइम हुआ है 2:45 का, तो इस वाली वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं। इसके आगे वाला जो भी प्रोसेस रहेगा भाई वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। 2 दिन की क्लिप ऐड करके मैंने वीडियो है वो पूरी की है, तो काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।